गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आई हो आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों अभी हम अपने घर पर और अभी हम खेत से आए हैं जस्ट अभी। पता चलो ब्लॉग को चालू करते क्योंकि ब्लॉग आज बनाए नहीं थे। अरे भी थक बहुत गया हूँ क्योंकि कल से मैं थका हूँ। आप लोगों को तो पता है कि मेरे उसमें उंगली में चोट लगी थी। ये आप लोगों को दिखा दूँ, यहाँ पर पता है इसमें चोट लग गई थी तो अभी दर्द हो रहा है। और आज फाइनली मैं थका हुआ हूँ बहुत ज़्यादा क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैंने काम करा है। मैंने कि 2 साल के बाद लगभग मैंने खेत में काम करा है। ठीक है, उसके पहले तो मैं बाहर था, यानी कि महमूदाबाद में रहता था। तो आप लोगों में से कुछ लोग तो जानते होंगे कि मैं महमूदाबाद में रहता था। तो फाइनली अभी मैं हूँ अपने घर पर और अभी हम फिर से खेत जा रहे हैं क्योंकि वहाँ मम्मी पापा और मेरा भाई तीन लोग काट रहे हैं ट्रैक्टर। मुझे भी जाना है और मेरा छोटा वाला भाई तो मेरे साथ चलाया था क्योंकि वो भी काम करता है, ऐसी बात नहीं है, वो भी जाएगा मेरे साथ में। और बात रही मैं संजय वाले भाई की तो चला गया स्कूल क्योंकि उसका पेपर है और आज लास्ट पेपर है। तो चलो भैया निकलते हैं यहाँ से। और आज हम वीडियो नहीं अपलोड कर पाए हैं, सॉरी, क्योंकि मेरे में रिचार्ज नहीं है इसलिए। और वीडियो अपलोड करने के लिए लगता है नेट, मेरे में रिचार्ज ना होने के कारण मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाऊँ, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि अपलोड कर दूँगा। तो ये मेरा संजय वाला छोटा वाला भाई, चलो खींच लें। हाँ तो हम दोनों चल रहे हैं खेत, चलो मिलते हैं हम लोगों से खेत को पहुँच करके। टैंक को घरिया लेके चलना पड़ेगा इधर क्योंकि ये लगे हैं गेहूँ ना, तो इन गेहूँ में अगर ये पैदल चलेंगे तो इनमें खुजली होने लगेगी, इसलिए हम इनको ले लिए घड़िया। ऐसे देख लिया आप लोग? तो चलो भैया चलते हैं, मम्मी पापा वहाँ पे काट रहे हैं, आप लोग को दिख नहीं रहा दूर है ना, तो चलो वहीं पे पहुँच के फिर देखते हैं क्या होता है। फाइनली ऐसे सरसों तो कट गई है पूरी सरसों कट गई, पता है इधर भी कट गई है पूरी, चलो थोड़ी सी बच्ची वो कच्ची है ना इसलिए, और इधर भी पूरी कट गई है, उधर कच्ची है इसलिए बची हुई है, बाकी सब पूरी सरसों कट गई है। तो अभी जा रहे हैं घर और धूप भी बहुत तेज़ हो रही है, हवा भी नहीं चल रही है, तो ये खसिया नहीं मिल रहा यार। मैं छोटा वाला भाई काट रहा था, पता नहीं कहाँ रख दिया, मिल ही नहीं रहा है। तो फाइनली चलो अभी चलते हैं घर क्योंकि थके हुए बहुत हैं आज। और सरसों तो कट गई फाइनली छोटी वाली, अब वो बड़ी वाली बची है वो वाली, तो वो भी काटने को हो रही है। तो चलो देखते हैं। तो जो मटर लगी हुई है ये, इसको भी काटना है, भी काटने वाली हो गई है पूरी मटर। इधर गेहूँ भी होने लगे हैं धीरे काटने वाले, यानी कि फसल हमारी सभी जो सारी फसलें हैं वो काटने वाली हो गई हैं। और तो आप लोग कंटिन्यू वीडियो बने रहिए, आप वीडियो में देखते रहिए, इंजॉय करते रहिए। गाइस अभी मैं आ गया हूँ घर अपने, जब लेटो बड़ा आराम मिलता है यार, साथ इतना ज़्यादा थके हुए हैं, बहुत ज़्यादा थक गए हैं, लेकिन काम तो अपना ही काम तो करना ही पड़ेगा, चाहे इतना भी थके हो तुम उससे मतलब नहीं, लेकिन काम करना पड़ेगा। और अगर काम हम ना करें तो मम्मी पापा को करना पड़ेगा, मम्मी पापा भी थक गए होंगे अभी, लेकिन जब हम इतना परेशान होंगे तो वो लोग कितना हो गए होंगे, सोच सकते हो आप। परेशान क्या हो गए हैं, बस थोड़ी दर्द हो रही है, बहुत दिनों के बाद काम करना तो कमर में दर्द हो रही है, पीछे जो बैक होती ना, पैर जो थाई होती है बैक वाली थाई, वो दर्द कर रही है यार। बाकी कोई दर्द नहीं है, बाकी बस ये उंगली दर्द कर रही, जहाँ जो यहाँ पे छोड़कर कट गई थी, पता है एक ही उंगली में कल 2 बार कटे थे और आज भी थोड़ा बहुत लग जाता था, तो खून ने थोड़ा बहुत निकल आता था। तो कहीं चलो करते हैं आराम, पता नहीं आज नींद आएगी या नहीं आएगी, कल तो सो गए थे आज पता नहीं। तो सरसों फाइनली कट गई है, बस वो बच्ची है जो कच्ची सरसों है। तो चलो आराम करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। क्यों अभी मैं आ गया हूँ हाथा की तरफ और उधर वहाँ पर रखा हुआ कल्टीवेटर, तो अभी हम यही सब देखने आते हैं। बाकी इधर ईंटा वटा लगी हुई है और बाकी इधर लकड़ियाँ कई सारी पड़ी हुई हैं, इधर गिट्टियाँ भी हैं ये सामने, ठीक है। तो बहुत कुछ देखने आना पड़ता है, अगर ना देखने आए तो चोरी वोरी होने की संभावना रहती है, पता है, इसलिए हम देखने आ जाते हैं। और अभी घर पर नींद तो आ रही थी, मेरे पैर भी दर्द कर रहे हैं, अब सब दिक्कत है। खेत में थोड़ा सा काम पड़ा, अब प्रॉब्लम चालू होगी। तो अभी हमें हाथा में और यहाँ पे बहुत मस्त हवा चल रही है, नींद भी बहुत मस्त लग रही है, लेकिन यहाँ सो नहीं सकते क्योंकि कुछ है नहीं लेटने के लिए, सब कांटे वांटे वगैरह हैं, ये देखो कांटे वांटे वहाँ पे भी, सब पेड़ में पड़े हुए कांटे वांटे रखे हुए हैं, तो इसीलिए यहाँ पे नहीं ले सकते हैं। और अभी जा रहे हैं फाइनली हम अपने घर, फिर वहाँ लेते हैं, थोड़ा सा सो लेंगे क्योंकि काम भी करना है खेत में, मौसम भी बहुत मस्त है, बारिश ना करवा देना आप लोग, नहीं तो मेरी सरसों ख़राब हो जाएगी यार, ठीक है। और आंधी भी ना करवाना कुछ ऐसे यार, नहीं तो मेरा वो जो खेत में सरसों होगी ना वो ख़राब होगी, तो गड़बड़ हो जाएगा फिर। तो था पहले हाथा में आप लोगों को तो पता ही, लेकिन घर आ गया अभी अभी, और अभी जा रहे हैं पानी लगाने। ये देखो हमारी जो ठिलिया है उसमें सामान रख चुका है पूरा सिस्टम, और अभी चले हैं पानी लगाने पेपरमिंट में, क्योंकि पहले पेपरमिंट लगाई गई थी उसमें लगाना है अभी पानी। और चलो फिर वहाँ पहुँच के देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है।
तो कंटिन्यू बने वीडियो में तक। मैं अपने घर में और आपको वीडियो में दिखा नहीं पाई कि मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया था और अभी बजे हैं 8:30। तो अभी आई लाइट और हम सही से अपना वीडियो भी अपलोड कर दिए हैं मोबाइल चार्ज करके और थोड़ा मोबाइल भी चार्ज कर रहे हैं। तो अपना चलो वीडियो एंड कर दें क्योंकि लाइट ना होने के कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो दोस्तों अभी वीडियो को एंड कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो थोड़ा बहुत भी इंटरेस्टिंग लगा होगा। इंटरेस्टिंग लगा तो लाइक करना, नहीं सब्सक्राइब करना। दोस्तों मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, वंदे मातरम।